मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। मेरठ बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के चयन के लिए शुक्रवार को मतदान सम्पन्न हो गया। करीब 3600 अधिवक्ताओं वाले इस बार के चुनाव में अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक मतदान किया। मतपत्रों की गिनती कल सुबह से शुरू होगी। इससे पूर्व सभी प्रत्याशियों ने भारी समर्थन मिलने का दावा करते हुए अपनी जीत सुनिश्चित होने की बात कही। हालांकि उनके दावे और हकीकत के बीच का फासला अब चंद घंटे ही बचा है। इस चुनाव में जितेंद्र सिंह बना, सुशील कुमार गुप्ता व गजेंद्र पाल सिंह तीन पैनल अपनी ताल ठोके हुए हैं। देखिए कुछ झलकियां। इस मौके पर कुछ प्रत्याशियों से फर्स्ट बाइट ने बात की। मैंने यहाँ मेरठ बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन हुआ है, आज जो कंटेस्ट किया है, मैंने उपाध्यक्ष पोस्ट यानी वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है इसमें हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया। समर्थन कितना मिल रहा है? समर्थन तो मुझे हर समाज का मिला है। वाकई में मुझे बहुत खुशी है कि मुझे हर समाज का समर्थन मिला है, सबने मुझे समर्थन दिया है। क्या वकील समाज का भी समर्थन मिला? जी, वकील समाज का भी समर्थन मिला। समाज का ही इलेक्शन है ना ये, तो वकील समाज का तो मिलना ही था, सबका समर्थन मिला। और बस देखते बाकी सब कुछ क्या होता है। शर्मा, आज का इलेक्शन हो रहा है, किस पद के लिए आपने कुछ भरा है? मैं कनिष्ठ कार्यकारिणी के पद पे क्रमांक संख्या 3 पे यहाँ पे प्रत्याशी हूँ, और आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग वो मुझे वकीलों का रहा है। समर्थन कितना मिल रहा है? समर्थन मुझे गज्जुओं का पैनल का पूरा समर्थन है। ब्राह्मण ट्रस्ट आदि का मुझे गज्जू अंकल जी का पैनल है, इनका हमें पूरा पूरा समर्थन है। और हम विश्वास करते हैं, हम इस उम्मीद पाए कि हम जरूर जीतेंगे, और जीतने के बाद हम हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन, जो हमारा आंदोलन चल रहा है, उसको हम आगे और तेज गति को ले जाएंगे, और हम अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना जरूर करा कर रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।